बार शोहदा की तादाद 129 हो गई। मुतादिद जख्मियों की हालत अब भी तश्वीशनाक। वाकये की तहकीकात जारी, शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। पंजाब फॉरेंसिक लैब से मदद लेने का फैसला। सिराज रईसानी की नमाज जनाजा 4:30 बजे अयूब स्टेडियम कोयटा में अदा की जाएगी। तदफीन आबाई इलाके कांफ में की जाएगी। अहले खाना और एक भाई बैरून मुल्क है, शाम तक पहुंचेंगे। लश्करी रईसानी का ट्रूथ कमीशन बनाने का मुतालबा। सिराज रईसानी वतन की मोहब्बत से सरशार, भारत के खिलाफ खुलकर इजहार करते, कौमी परचम को सीने से लगाते, तरंगे को पैरों तले रोनते थे। उनके बेटे को भी 2011 में शहीद किया गया। बलोचिस्तान हुकूमत का 2 रोजा सोग का ऐलान। पंजाब में अदालती बॉयकॉट, बिलावल भुट्टो जरदारी का मालाकंड में जलसा मनसूख। पीटीआई का 17 जुलाई को कोयटा में जलसा मुलतवी। इमरान खान आज सवाबी मर्दान वाहकेंट में खिताब करेंगे। मस्तोंग में कीमती जानों के ज़िया पर आर्मी चीफ का दुख का इजहार, कहते हैं तमाम पाकिस्तानी मुत्तहिद होकर दुश्मन कुवतों को शिकस्त देंगे। मुल्क दुश्मन अनासर जमहूरियत कमजोर करने की कोशिश में कामयाब नहीं होंगे। सऊदी अरब, अमरीका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान में धमाकों की शदीद मजम्मत। तहकीकात में तावन यकीन दहानी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है ऐसे हमले पाकिस्तानी आवाम को जमहूरी हुकूक से महरूम करने की साजिश है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने रात अडियाला जेल में गुजारी। सुबह अंडा पराठा और चाय का नाश्ता। जेल में बी क्लास दी गई। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और रिटायर्ड कैप्टन सफदर को एक ही कंपाउंड में रखा गया। कमरे अलग अलग आपस में मिल भी सकेंगे। टेलीविजन, अखबार और बेडरूम की सहूलत मुयस्सर। अटैच बाथरूम, रूम कूलर और एक मुशक्कती भी दिया गया। अल अजीज यार फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल में होगी। अडियाला जेल को एहतसाब अदालत नंबर 1 का दर्जा दे दिया गया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की सजा के खिलाफ अपीलें तैयार। पीर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की जाएंगी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रैली निकालना नून लीग को महंगा पड़ गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत लीगी रहनुमाओं के खिलाफ 12 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। फैसलाबाद में भी 20 मुकदमा दर्ज। इसहाक डार की वापसी से मुतालिक समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। FIA ने इसहाक डार की रेड वारंट जारी करने की दरख्वास्त कर दी। अटॉर्नी जनरल ने बताया इंटरपोल को रेड वारंट के लिए दरख्वास्त दी जा चुकी। जायदाद जब्त की दरख्वास्त भी साथ है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से मुतालिक केस। हुकूमत का तरीकेकार है कि निजी कंपनीज बनाओ, अपने बंदे लगाओ और उनको फायदे पहुंचाओ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, क्यों ना आपको मुअत्तल कर दिया जाए। MD PSO से मुकालमा। PIA कहा जो ऑपरेशन शुरू। कराची से 300, इस्लामाबाद से 327 आजमी हुज्जाज मुकद्दस रवाना होंगे। हज ऑपरेशन 15 अगस्त तक जारी रहेगा। मान, बिजली, पानी, रोजगार, सेहत, सरात, सड़क या कुछ और, आपकी नजर में मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? आप वोट तो देंगे मगर किस मसले के हल के लिए? 24 न्यूज को 10 सेकंड की वीडियो व्हाट्सएप करें। मुल्क बालाई इलाकों में कहीं मतला साफ, कहीं अबर आलूद। खैबर पख्तूनख्वा में गहरे बादल। पंजाब के कई शहरों में बारिश का इम्कान। कराची में भी हल्की बारिश हो सकती है।